Hello and good morning all, kaise hai tum sab? I hope you all are fine. I am Mrs. Niki Shweta starting with the third part of lesson number 15, Improvement in Food Resources. See, before starting this part, we will take a recap of whatever we have studied in previous two parts. So, this lesson is about to improve the food quality quality of food means whatever food you are taking either it may be the plant resources or it may be from the animal resources see we have discussed about what are the food types which is from the plant resource and what are the food types which is from the animal resource as for examples, the vegetables, fruits, cereals, pulses, oils, they all are the food resources from plant. But the animal resources are the milk, uh, egg, meat, dairy products, honey, fishes, these all are under the category of the animal products. And uh, to meet the requirement for the uh, vast uh, population it is required to give more and more so for that purpose we have to apply the scientific knowledge in the agriculture so whatever we are producing that is of good quality and the farmers or whoever is um, using that they should get the good quality food so this is the main uh, reason behind it and we have discussed we had discussed about that uh, how could we uh, improve the food quality so for that purpose we have many things like uh, uh, using of fertilizers manures uses of pesticides weedicides how do we control them

कि लेसन रीड करो तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लेसन रीड कर रहे होंगे सी अभी मैं आपको देखने नहीं आ सकती हूँ कि अगर मैंने बोला है कि आप लेसन रीड कर रहे हो या नहीं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि ऑल माई डियर स्टूडेंट्स आप मेरे विश्वास को बनाए रखेंगे और जो टीचर बोल रही है जैसा टीचर बोल रही है ऐसा फॉलो करने की कोशिश करेंगे सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हंड्रेड परसेंट फॉलो करो वो सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ आपको लेकिन अगर आपने उसमें से एट्टी परसेंट बात भी फॉलो करी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आप देखोगे कि आप जब क्लास में पढ़ाई करते थे ना और उस टाइम पे जितना आप नहीं सीख पाते थे उससे ज़्यादा आप अभी सीख पाओगे क्योंकि आपके पास आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करने का मौका है पहले आप क्या स्कूल आते थे सुबह जल्दी जगते थे और स्कूल आ जाते थे फिर टीचर्स यहाँ पे हमेशा आपके लेक्चर्स मतलब फ़र्स्ट लेक्चर हुआ फिर सेकंड हुआ ऐसे कर कर के चेंजेस होते थे तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डिस्टर्ब भी करती थी तो अभी आपके पास मौका है बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप पढ़ाई कर सकते हो है ना सो प्लीज़ निकी टीचर की ये रिक्वेस्ट मानेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे है तो आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन इट सी टुडेज सेशन इज बेसिकली अबाउट द एनिमल रिसोर्सेज मीन्स हाउ वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनिमल रिसोर्सेज सो वी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली हियर सो वील स्टार्ट विद द पी पी टी

उनको प्रॉपर रखना उनके हेल्थ का ख्याल रखना उनके ब्रीडिंग का ख्याल रखना उनका खाना पीना सब कुछ देखना मतलब एनिमल हस्बैंड्री होता है एनिमल हस्बैंड्री में कैटल्स होते हैं मतलब गाय भैंस पिग्स हो सकते हैं हॉर्सेस एंड फोल्स का मतलब बर्ड्स है यहाँ पे बर्ड्स मतलब ये चिकन हो सकते हैं डक्स हो सकते हैं या अगर विदेश हैं तो वहाँ पे दूसरे वराइटी ऑफ बर्ड्स को भी लोग खाते हैं जैसे कि टर्की वगैरह तो ये भी हो सकता है सो दीज ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री मीन्स क्या टेकिंग केयर ऑफ़ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल अभी घर पे एक डॉग पाल लिया हमने तो वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं होती है एनिमल हस्बेंड्री वेन दे आर इन द बल्क अमाउंट बल्क मीन्स ज़्यादा रख रहे हो आप सो व्हेन द एनिमल्स आर इन बल्क अमाउंट एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम इन एवरी एस्पेक्ट मींस आप उसको खाना दे रहे हो आप उसको पानी दे रहे हो उसको डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे हो ये सारी जितनी चीज़ें हैं दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीजेज proper breeding of animals see we have to cover if we are keeping animals in bulk we should take care of all these points khana dena hai clean water dena hai unke shelter means ghar rakhna hai prevention and cure of diseases see they are also the living one, one and they are animals so they are very prone to get the infections of bacteria and the viruses and the फंगसेस सी प्रोन मीन्स क्या जिनको आसानी से इन्फेक्शंस हो पाए प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के uh, बच्चे पैदा करने रिप्रोडक्शन का भी जो काम है ये भी आपको आपके उस एनिमल हजबेंड्री के अंदर आता है ठीक है सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइव हियर इन दिस फिगर आई हैव शोन यू वॉट वॉट आर द फोर मेजर टाइप्स ऑफ दिस सो कैटल फार्मिंग कैटल मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट काउज एंड बफेलोज फॉर मेनली फॉर देयर मिल्क बट वी आर यूजिंग द कैटल्स फॉर द लेबर परपज ऑल्सो फार्मिंग में भी यूज करते हैं खेती में है ना पोल्ट्री फार्मिंग रेजिंग फोर्स फॉर देयर एग्स एंड मीट एग के लिए और मीट के लिए बर्ड्स को रखना फिश फार्मिंग कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फ़िश फॉर देयर मीट फिश फार्मिंग इज़ टोटली डिफरेंट देन द बाकी ये सारे क्योंकि इसमें पानी का एस्पेक्ट आएगा आप पानी इकट्ठा करोगे उसके अंदर फिशेस को रखोगे फिर उनको पालोगे खाना पीना दोगे एंड एपीकल्चर एपीकल्चर इज बी कीपिंग फ़ॉर देयर हनी एंड वैक्स हन मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनको रखते हैं मेजरली वी आर टेकिंग देम फॉर देयर हनी एंड फॉर द वैक्स आपको पता होगा कि बी वैक्स जो मतलब हनी बी का जो घर होता है हनी कोम जिसको बोलते हैं वो वैक्स वैक्स मीन्स मोम से बना हुआ होता है तो ये मोम से बने हुए घर से हम वैक्स को निकालते हैं दैट वैक्स इज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ यूज फर्दर इन दिस लेसन ओनली वी आर गोइंग टू सी वॉट आर द यूज ऑफ द वैक्स और हनी का क्या यूज करते हैं हम ठीक है सो मेजरली वी आर डीलिंग विद दीज फोर एस्पेक्ट कैटल फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग फिश फार्मिंग एंड एपीकल्चर ये चारों मिलकर आपका एनिमल हजबेंड्री बनाते हैं ओके द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल आपको बोल रहे हैं यहाँ पे लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हजबेंड्री फूड शेल्टर एंड हेल्थ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हजबेंड्री meat egg milk honey silk lac wool and leather are the products that we get from animals see here other animal products are also listed useful animals can be divided into the following categories based on the products they giving us milk yielding animals cows buffaloes and goat मीट एंड एग यंग एनिमल शीप पिग फिश पोल्ट्री एंड डक पोल्ट्री मीन्स यहाँ पे चिकन की बात हो रही है मतलब कि मुर्गे मुर्गियों के। ड्रॉट एनिमल ड्रॉट मीन्स जिनको लेबर के लिए यूज़ करते हैं लेबर मीन्स उनसे खेतों में काम करवा सकते हैं उनके ऊपर बोझ रख के ढो सकते हैं सो ड्रॉट एनिमल्स आर म्यूल डंकी हॉर्स एंड बुलॉक म्यूल मीन्स क्या है uh, uh, अगर हिंदी में बात करें तो दे आर द एनिमल वेराइटीज़ मेडअप ऑफ़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हॉर्स एंड द डॉन्की के हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं सो दे आर म्यूल खच्चर बोलते हैं उनको हिंदी में मराठी में शायद मे बी सम अदर नेम विल बी देयर वूल एंड सिल्क यील्डिंग एनिमल्स शीप गोट काओ बोफेलो एंड कैमल दे आर गिविंग यू द स्किन एंड वूल ऊन स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए एनिमल यदर प्रोडक्ट्स हनी फ्राम बीज सिल्क फ्राम सिल्क मोथ एंड पर्ल्स फ्राम ऑयस्टर मोती भी मिलती है एनिमल से हमें सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ सिल्क इज़ द टाइप ऑफ क्लोथ विच वी गेट फ्राम द सिल्क आपने सिल्क वॉम का पूरा लाइफ साइकिल भी पढ़ा है और हनी फ्राम बी सो दीज आर द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो सो एनिमल हजबेंड्री आपको समझा जानवरों को रखना उनका ख्याल रखना उनको प्रॉपर खाना पानी उनके हेल्थ का ख्याल रखना उनकी ब्रीडिंग का ख्याल रखना, रखना ब्रीडिंग मीन्स मैंने बताया कि उनके रिप्रोडक्शन का ख्याल रखना so all these are under the category of animal husbandry and animals are giving us various type of useful products as for example milk meat egg skin leather silk wool and many other honey wax these all substances we are getting from the animals so here we are moving to the next slide कैटल फार्मिंग नाउ वी आर मूविंग टू दार्ट ऑफ एनिमल हजबेंड्री विच डील्स अबाउट द कैटल्स मीन्स काउज एंड बफेलोज सो कैटल फार्मिंग कैटल फार्मिंग इज़ कैरीड आउट टू रेज काउज एंड बफेलोज एज इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक का मतलब मैंने बताया था जिंदा स्टॉक मतलब आपके एनिमल्स हैं उनको स्टॉक में आपने रखा है द टू मेजर स्पीसीज ऑफ ए इंडियन कैटल्स आर बॉस इंडिकस और काउस और बॉस बुलबिल्स और बफेलोज सो इंडियन कैटल को दो फार्म में हम ले सकते हैं एक है काउज और दूसरे हैं बफेलोज गाय और भैंस तो गाय और भैंस का ये यहाँ पर साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस मतलब काओ और बॉस बुब बुबालिस मीन्स बफेलोज They both are the scientific name for the cows and buffaloes. On basis of their utility, utility means uses, cattle are classified into two types, namely milch animals and draught animals. Milch animals means the animals which are giving you milk. Or dairy animals produce milk. Males of this दिस टाइप आर नॉट यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन फार्म सी मिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम द फीमेल लेकिन जो उनके मेल पार्ट होते हैं मतलब अगर गाय है तो जो उनका बैल होगा उस उसको हम फार्मिंग के लिए भी कई बार यूज कर सकते हैं ड्रॉट एनिमल्स आर यूज फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल वर्क लाइक टिलिंग इरीगेशन एंड कार्टिंग ड्रॉट एनिमल्स आर मेजरली यूज़ फॉर लेबर परपज़ सो लेबर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं उनके ऊपर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या आ, उनसे इरीगेशन पानी वगैरह खींचने के लिए या आपने देखा होगा कई बार कोल्हू कोल्हू मीन्स जहाँ पे तेल वगैरह निकाला जाता है वहाँ पे भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं उसको गोल गोल घुमाने के लिए सो एनिमल लेबर वी यूज मेनी टाइप्स वी कैन यूज इट एट एनी प्लेसिज लाइक फॉर फॉर फार्मिंग पर्पजस ऑल्सो फार्म में भी आपको खेत को पहले जोतने के लिए बैल लगते थे तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं नाउ वट इज मशीन एज इज दो एवरीवेयर वी हैव मशीन्स टू यूज बट बिफोर वेन एवर द मशीन्स आर नाट इन द फैशन एट दैट टाइम द एनिमल्स आर यूज अभी हर जगह मशीन्स आ गए हैं तो हर जगह मेजरली मशीन्स का यूज़ होता है सो मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर कैटल फार्मिंग क्लीनिंग इन्वॉल्व पीरियोडिक वॉशिंग टू गेट रीड ऑफ डर्ट एंड लूज हेयर जानवर हैं उनके बाल होते हैं तो वो गिरते हैं और गंदगी होती है तो टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए शेल्टर फेसिलिटीज इंक्लूड वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स विच प्रोटेक्ट कैटल फ्रॉम रेन कोल्ड एंड सन छत होनी चाहिए और वेंटिलेशन मीन्स कि उसमें हवा अच्छी आनी जानी चाहिए कैटल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेज कैटल्स को बीमारी से बचाना चाहिए डिजीजेज इन कैटल्स आर कॉज बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटर्नल पैरासाइट्स एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन देयर स्किन एंड कॉज स्किन डिजीजेज internal parasites affect the stomach and intestinal parts certain preventive measures of diseases in animals are listed see animals are very prone to get disease just now i have explained you that they are the living one and we are Uh, हमारी तरह वो कपड़े नहीं पहनते हैं या हमारी तरह वो हर चीज़ों से बच के सैनिटाइजेशन ये वगैरह नहीं होता रहता है सो दे आर वेरी प्रोन टू गेट डिजीज़ेस सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम तो उनका घर वेंटिलेटेड होना चाहिए अच्छी तरह से उसको साफ़ सफाई रखनी चाहिए डिजीज से प्रोटेक्ट करना चाहिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फीडिंग ऑफ कैटल इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ अनकंटामिनेटेड एंड बैलेंस्ड डाइट एनिमल फीड्स आर ऑफ टू टाइप्स नेमली रफेज फीड एंड कॉन्सनट्रेट फीड सी जानवरों के खाने का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए अनकंटामिनेटेड मीन्स गंदा खाना नहीं दे सकते ये नहीं कि जानवर खा रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ भी दे रहे हैं we should take care of proper feeding of animals and they also require balanced diet. आप बोलोगे कि क्या उनको भी balanced diet चाहिए? तो yes, they also उनके आप कैसा use कर रहे हो? If you are getting milk from the animals, then you should definitely required कि उनको ऐसा खाना दे जिसमें कि fat proper हो, protein होना चाहिए that at that time only you are getting the good quality of milk out of that. okay सो एनिमल फीड को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है वन इज़ द रफेज फीड एंड सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेट फीड नाउ वी हैव टू सी द पर्पसेस ऑफ दीज टू डिफरेंट रफेज फीड कंटेन्स हाई फाइबर कंटेंट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी इट कंप्राइजेस फूडर ग्रासेस सीलेज एंड लिग्यूम्स रिच इन फाइबर रफेज़ फीड में मेजरली क्या देते हैं जैसे कि हम भी अगर खाना खाते हैं तो हमें भी रफेज चाहिए रफेज क्यों चाहिए होता है जो स्टूल स्टूल मींस जो पॉटी बनता है पेट में वो आराम से आपको पास हो जाए फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर रफेज एनिमल्स आल्सो रिक्वायर रफेज एनिमल्स आर टेकिंग इट फॉर गेटिंग द एनर्जी इट कम्प्राइजेज डिफरेंट टाइप ऑफ फूडर ग्रासेस जानवरों को खिलाने के लिए ग्रासेस की वराइटी होती है एंड लिग्यूम्स ऑल्सो दाल वगैरह की वराइटी हम उनको दे सकते हैं सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ फूड रफिज फूड एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्सनट्रेट फीड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीरियल सीड्स ऑयल सीड केक रिच इन प्रोटीन कंटेंट

Uh, these two points are present in the textbook also. You mark it from there also. But by the time you take the screenshot of this, so we, here we had a talk about the type of food which we are giving to, to the animals.

पहले से वैक्सीन दे के रेडी रखते हैं कि हाँ बच्चे तुम वैक्सीन ले लो अभी तुम बिल्कुल ठीक रहोगे तुम्हें आगे कोई बीमारी नहीं होगी सो सेम हियर फॉर द एनिमल्स ऑल्सो देर आर वैक्सीन्स एंड वी शुड गेट द प्रॉपर वैक्सीनेशन फॉर द एनिमल्स क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन फॉरन एंड लोकल ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू फेसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स विथ डिज़ायर्ड क्वालिटीज आपको जैसे प्लांट में मैंने कौन सा टर्म बताया था हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था मैंने कि दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट रहेंगे मान लो जैसे मैंगो के दो ट्री हैं एक ट्री है जिसका कि फ्रूट बहुत अच्छा है और दूसरा ट्री ऐसा है जिसमें कि फ्रूट के मैच्योर होने का टाइम बहुत जल्दी है तो अगर ऐसा मुझे एक नया पेड़ बनाना है जिसमें दोनों क्वालिटी हो मतलब फ्रूट अच्छे हों और वो फ्रूट जल्दी मेच्योर भी हो जाए तो अगर मुझे ऐसा वैरायटी बनाना है तो इसके लिए मुझे जो टेक्निक यूज़ करने पर पड़ेगी दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन सो इन द सेम वे वी आर यूजिंग इट फॉर द एनिमल्स आल्सो डिज़ायर्ड वैरायटी। मान लो अगर काव का दो अलग अलग वैरायटी है वन वैरायटी इज़ गिविंग यू द गुड अमाउंट ऑफ मिल्क एंड द सेकेंड वरायटी ऑफ द काओ इज़ not disease resistance <coughs> मतलब दो हमारे पास अलग अलग वैरायटी हैं एक को मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है और दूसरे में क्या हो रहा है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन तो ठीक ठाक है लेकिन उसको बीमारी नहीं होती है तो मान लो हमें काव की एक ऐसी तीसरी वैरायटी मिल जाए जो कि मिल्क भी ज़्यादा दे और उसको डिजीज़ भी ना हो तो ये एनिमल हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा फॉर सो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग क्रॉस ब्रीडिंग एक का मेल ले लेते हैं दूसरे का फीमेल आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए होंगे सो वी आर टेकिंग वन मेल एनिमल एंड वन द फीमेल एनिमल देन वी गेट दम टू रीप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन से जो हमारे पास एनिमल आएगा दैट एनिमल इज हैविंग द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ so this is very common in the terms of animals. here some examples are also given. foreign breeds like jersey, jersey the name of the cow is very popular in nowadays. with long lactation period. lactation period kya matlab cow को कितने दिन milk आता है वो lactation period है. आप अब ऐसा मत बोलना कि गाय तो हमेशा दूध देती है. so lactation period इज़ क्रॉस्ड विथ लोकल ब्रीड लाइक रेड सिंधी काव विथ हाई रेसिस्टेंस टू डिजीज एक दूध ज्यादा दे रही है और दूसरा रेसिस्टेंट टू डिजीज है इन दोनों को मिला के हम डिज़ायर्ड क्वालिटी वाला नया काव बनाएंगे टू ऑप्टेन ऑफ स्प्रिंग ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटीज लाइक लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड एंड हाई रेसिस्टेंट टू डिजीज तो हमारे पास जो नया एनिमल होगा उसमें यह दोनों क्वालिटीज होंगी ओके एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग वाई वी शुड डू क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन to increase resistance against diseases to enhance the varieties with longer lactation period to rely on less amount of quality food so these are some of the listed uh, things here why would we go for the cross breeding maybe these points are present in the textbooks also but you take these points from here okay Poultry farming? Poultry farming is regarding the birds. Poultry farming is the practice of raising foal for egg production and chicken meat. Foals are used for producing eggs, and broilers are used for producing meat. See chicken ki do variety hoti hai? Layers and broilers. Layers we are using for production of egg and broilers we are using for production of meat crossbreeding is used to develop offspring with desirable traits here also we are using crossbreeding the desirable traits include hain cross crossbreeding number and quality of chicks ho dwarf broiler parent for commercial chick production समर एडेप्टन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर जनरली चिकन्स को हाई टेम्परेचर से प्रॉब्लम होती है तो ऐसे वैरायटी, वी आर डेवलपिंग द वराइटीज विच आर टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स ऐसे जानवर हम बना लें जो एग तो दे ही दे लेकिन उनके लिए जो हम खाना यूज़ करें वो खाना ऐसा हो कि एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट एग्रीकल्चर ये खेती से जो बचा हुआ सामान होता है उससे उसका खाना मिल जाए सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स फॉर विच फॉर दैट पर्पज वी आर डूइंग द क्रॉस ब्रीडिंग सो पोल्ट्री फार्मिंग आपको समझा पोल यहाँ पे एक छोटा सा रीकैप ले लेंगे कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा तो हमने पढ़ लिया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है एनिमल हस्बेंड्री होती है कि एनिमल्स को बहुत सारे एनिमल्स को आपने एक साथ रखा है उनके खाने पीने का ध्यान रखना उनके हेल्थ का केयर करना उनको प्रॉपर शेल्टर देना घर देना प्लस आ, उनकी ब्रीडिंग का ख्याल रखना एनिमल हस्बैंड्री है एनिमल हजबेंड्री के चार टाइप्स मैंने आपको बताए कैटल फार्मिंग है एग प्रोडक्शन इज देयर मीन्स यू आर कीपिंग द चिक्स एंड द एनिमल्स देयर देन यू आर हैविंग द एनिमल्स लाइक यू आर कीपिंग पिग्स हॉर्सेस एंड मोर इज देर यू आर कीपिंग द बीफ और दनी एंड दैक्स

for that purpose we require two different type of chicks broilers and the layers layers are for the eggs and broilers are for the meat so now we are moving to the next slide of ours difference between broilers and layers layers are meant for egg production broilers are meant for poultry meat Layers require less fatty food, whereas broilers, because you are e eating the flesh of the broilers, aapko meat khana hai. so for that purpose, their food requirement is really high. They require more fatty and more protein-rich food. Varieties are given. I have here white leghorn is the variety of the chick used for layering purpose and broilers, road islands these are the name of the variety of the chicks okay see this difference between broilers and layers i think we have covered in the 8 standard also the next topic is of fish farming fish farming means keeping fish in the bulk amount for the commercial purpose commercial means मैंने घर के एक्वेरियम में फ़िश रख लिया तो वो फ़िश फार्मिंग नहीं हो गई फ़िश फार्मिंग इज़ फॉर द कमर्शियल पर्पस। फिशेस को बेचने के लिए हम फिश को रख रहे हैं हम अपने घर पे सजावट के लिए फिशेस को नहीं रख रहे हैं सो फिश फार्मिंग इज़ द कीपिंग ऑफ फिश फॉर द कमर्शियल पर्पस टाइप्स ऑफ फिशरीज आर देयर मतलब फिशेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स आपको पता है फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं जैसे नदी में तालाब में मिलने वाली फ़िश वेयर एज मरीन फिश आर ऑल्सो देर मरीन मीन्स जो कि सॉल्टी वाटर में रहने वाले फिशज हैं समुद्र में जो मिलते हैं समुद्र में ओशंस में जो फिश मिलेंगे सो दीज आर द मरीन वराइटी ऑफ फिशेज़ सो फिश की कौन कौन सी दो वराइटी हो गई एक हो गया फ्रेश वाटर वाले दूसरे हो गए मरीन वराइटी वाले सो फिश फार्मिंग में भी टाइप्स ऑफ फिशरीज़ है फिशरीज़ मीन्स क्या जहाँ पे आप फिशेस को रखते हो कमर्शियल पर्पस के लिए कहाँ रखेंगे आ, ऐसा नहीं कि तालाब और नदी आप घर पे खोद रहे हो टैंक्स आर देयर हम टैंक्स बनाते हैं सीमेंटेड प्रॉपर टैंक्स आर देयर एंड देयर वी आर यूजिंग द फिश सीड फिश का सीड मतलब यहाँ पे बीज नहीं है बहुत छोटे छोटे एग ऑफ द फ़िश आर देयर एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट ओनली इन द फिश Uh, वो पॉन्ड जैसा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें आप उसको डालोगे देन द फिशेज आर ग्रोइंग सो फिशेज की दो वैरायटी मैंने बताई आपको कि फ्रेश वाटर फिशेज होंगे एंड द मरीन फिशेज आर आल्सो देयर सो यहां पे टाइप्स ऑफ फिशरीज फिन फिशरीज एंड शेल फिशरीज फिश प्रोडक्शन इन्वॉल्व फिन फिशरीज एंड सेल फिशरीज टू मेन स्पीशीज और फिंड ट्रू फिश आर कतला एंड रोहू एंड दैट ऑफ शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलास् हम प्रॉन्स को कंसिडर करते हैं कि दे आर द फिशिज बट लेटर ऑन इन दिस ईयर साइंस ओनली यू वुड नो दैट प्रॉन्स आर नॉट फीश फिशेज दे आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रॉन्स फिशज नहीं होते मोलास्िश नहीं होते हैं आप देखते होंगे ना शेल वाली चीज़ें क्रैब खाते हैं कई लोग कई लोग प्रॉन्स को खाते हैं लॉबस्टर्स खाए जाते हैं तो दे आर नॉट द फिशेज बट वी आर ग्रोइंग देम ऑल्सो फॉर द कमर्शियल पर्पसेस ओके एंड वेयर एज जो ट्रू फिश हैं वी आर ग्रोइंग देम ऑल्सो जैसे कि रोहू कतला दे आर द वाइटी ऑफ फिशेज मेनी अदर वराइटीज मे बी देयर जो कि आपको नाम पता होंगे आई एम द वेजिटेरियन वन आप में से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियंस हो सकते हैं बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हो सकते हैं सो एम आर हैविंग इंटरेस्ट इन टू द ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे बट योर टीचर इज़ द वेजिटेरियन वन सो मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं रोहू एंड कतला ओके कैप्चर्ड फिशरी एंड कल्चर फिशरी कैप्चर मीन्स आप फिश को पकड़ के लाओ जैसे कि आ, समुद्र में लोग जाते हैं जाल बिछा के रखते हैं बहुत आ, वो बहुत मेहनत से फिशेस को पकड़ के लाते हैं और कल्चर फिशरी मीन्स क्या आपने एक प्रॉपर टैंक बनाया है उसमें फिशेस को रखते हो और उनको आ, ग्रो होने दे रहे हैं सो दिस इज़ द टू डिफ़रेंट टाइप्स फिशेस आर ऑप्टेंड बाय कैप्चर फिशिंग एज एन इकोनॉमिक सोर्स फॉर देयर मीट कैप्चर फिशिंग में फिश को आप सी वाटर से फ्रेश वाटर से कहीं वैसे भी पकड़ सकते हैं कैप्चर फिशरिंग ये डिफाइड क्लासिफाइड इनटू मरीन फिशरी एंड इनलैंड फिशरी मरीन मैंने बताया ना जैसे कि सी से ओशन से अगर आप ला रहे हो तो मरीन सो इट डिपेंड्स ऑन द वाटर रिसोर्स कहाँ से ला रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ओके हियर आई हैव एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन कैप्चर फिशरी कल्चर एंड एक्वाकल्चर दिस क्वेश्चन इज आस्ट इन द एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशरी मेरी कल्चर एंड एक्वाकल्चर यू कैन टेक द आंसर फ्रॉम हियर ऑल्सो फिशेज आर कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर रिसोर्स कैप्चर फिशरी इनवॉल्व्स कल्चरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिन फिशेज एंड सेल फिश इनवॉल्व्स कैप्चरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश प्रॉन्स क्रैब्स एक्सेट्रा नो सीडिंग एंड रियरिंग आर रिक्वायर्ड कैप्चर आप मछली पकड़ने जा रहे हो तो आप उसमें कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं ना जबकि मेरी कल्चर और एक्वा कल्चर में यू हैव टू डू दैट फिश शीड्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड फिशेस आर रियर्ड रियर्ड मीन्स उनको उगाना उपजाना है यहाँ पे तो फिशेस को उपजाएंगे नहीं प्लांट्स की तरह उनको ग्रो होने देंगे दे दिस टाइप ऑफ फिशिंग इज़ डन बोथ इन मरीन एंड इनलैंड वाटर फिश मेरीकल्चर इज़ डन फॉर द सी वाटर एंड एक्वाकल्चर इज़ डन बोथ इन फ्रेश वाटर एंड द मरीन वाटर मैंने आपको बताया है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का क्या मतलब होता है है ना सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्क्रीन लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ओके नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इट इंक्लूड्स एपीकल्चर द मीनिंग ऑफ एपीकल्चर इज कीपिंग हनी बीज फॉर द कमर्शियल पर्पज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग सी हीयर आई हैव लिस्टेड वेरियस वराइटीज़ ऑफ़ द हनी बी इंडिजीनस एंड एक्जॉटिक मीन्स थोड़े अच्छे वाले और नॉर्मल वराइटीज़ ए पिस इंडिका एपिस डॉर्सेटा एपिस फ्लोरी अभी आप पूछो कि हनी बी का ऐसा नाम क्यों लिखा है सो इट इज़ दाइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी तो हनी बी के साइंटिफिक नेम को ऐसे लिखा जाता है एपिस मेलीफेरा और एपिस एडमोसोमी सो दीज ऑल आर दराइटीज ऑफ हनी बीज आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है है ना उसमें मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है वर्कड़ बीज होते हैं वो हनी को इकट्ठा करते हैं जमा करते हैं सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बीज हनी बीज आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स हनी की बहुत सारी यूज होते हैं जनरली इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम वी आर यूजिंग हनी फॉर वेरियस पर्पसेस खांसी वगैरह हो जाती है तो मम्मी हमें देती हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए लोग गर्म पानी में मिला के पीते हैं फैट लॉस के लिए सो देर आर वेरियस यूसेस ऑफ द हनी भी आप देखो एनर्जी कितना है वन के जी ऑफ हनी कंटेंस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड कैलोरीज ऑफ एनर्जी इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ हेमोग्लोबीन ऑल्सो हनी इज़ यूज इन प्रिप्रेशन ऑफ ब्रेड केक्स Uh, कई बार uh, आप देखोगे स्वीट डिशेस में भी हनी को यूज़ किया जाता है बी वैक्स इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स ल्यूब्रिकेंट्स, कोल्ड क्रीम शेविंग क्रीम्स पॉलिशेस, कैंडल्स ऑइनमेंट्स एंड इन मेडिकल प्रिपरेशन। ये बी वैक्स की चीज़ें यूज होती कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सजने सवरने वाली चीज़ें होती ना लड़, लड़कियों को पता है लिपस्टिक वगैरह बनाने के लिए Uh, फिर बॉयज़ के काम की चीज़ें भी है शेविंग क्रीम्स पॉलिशेज कैंडल्स उसके अलावा ऑइनमेंट्स क्रीम वगैरह मेडिक्स मेडिसिनल क्रीम्स फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग इट ओके सो ही दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ़ दिस लेसन एपीकल्चर बट हीय आई वुड लाइक टू टेक अ रिकैप ऑफ द लेसन ऑल्सो सो दिस दिस इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड मेनी थिंग्स लाइक द थिंग्स लाइक एनिमल हजबेंड्री क्या है कैटल फार्मिंग उसमें हमने पोल्ट्री फार्मिंग को यूज़ किया देन वी हैव कम टू द पॉइंट ऑफ फिश फार्मिंग देन द एपीकल्चर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं है ना सो यी आई हैव इंडेड विद द पी पी टी ऑफ माइंड बाय so here we have stopped with the ppt and we have completed the lesson number 15 so as we have completed the lessons so already we have completed total 5 lessons so it's now your responsibility to complete your all the notes see we have given you all the notes and in the pdf form so uh, it's my request to you and as the teacher it's my order also that you kindly complete your notebooks proper presentation of notebook is very much required as the uh, 8 standard students you have completed your notebooks and, and you have kept it very well so in the same manner you have to keep your 9 standard notebooks also so kindly maintain your notebooks in the proper format आपको पता है कैसे नोटबुक्स को रखना है कैसे नोट्स लिखने हैं दिस इज नॉट कि टीचर ने अभी नहीं देखना है टीचर अभी कहाँ है स्कूल कहाँ खुला है तो हम नोटबुक्स अच्छे से रखें या ना रखें, तो ऐसी बात नहीं है यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर नोटबुक्स अच्छे से लिखिए सारे नोट्स आपके पास हैं, अगर नहीं है तो काइंडली कंसल्ट टू द टीचर्स वॉटर इज द कंसर्न टीचर इट इज नॉट ओनली अबाउट साइंस यू uh, अगर आपके नोट्स में से किसी और भी सब्जेक्ट के तो काइंडली यू कोऑर्डिनेट विद द कंसर्न टीचर और एज द क्लास टीचर टू मी आल्सो फॉर द नोट्स ओके सो यू कम्प्लीट इट प्रॉपरली अगर बाद में आप करोगे तो इट मे बी बर्डन फॉर यू आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी कि मैं कब नोट्स कंप्लीट करूंगा कब लिखूंगा कब याद करूंगा इन चीजों को सो फॉर दैट परपज

घर पे खेलिए थोड़ी बहुत साइकिल वगैरह आप चला सकते हो थोड़ा नीचे जाके अगर पॉसिबल है आपके सोसाइटी में तो तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ योर फैमिली बी हैप्पी हेल्दी जैसा है इन्वॉर्मेंट वैसे बहुत अच्छे से पॉजिटिवली रहिए ओके ठीक है बाय वी विल मीट सून एंड बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय